अच्छा जी, तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिरर लगा हुआ, शीशे शीशे लगे हुए यहाँ हैं पे देखे बस। जरा ऐसे लगे हुए हैं, तो अचानक से लगता है कहीं कोई दूसरा बंदा आ गया। हरनुआ साहब कैसे हैं? ठीक है क्या जी। कर रहे जाहिद हो? भाई ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई। थक गए हैं बिलाल भाई, हीटर नहीं चल रहा, हवा दे जा रहा था लेकिन हीटिंग नहीं कर रहा डेढ़ था। से पौने 2 बजे का टाइम हो चुका हुआ है। अभी लॉबी जो है ना वो बिल्कुल खाली है, तो मैंने सोचा कि गाड़ी की जो वीडियो है ना वो बनाते हैं, आपको थोड़ी डिटेल के साथ दिखाते हैं। बिलाल भाई क्या पता कर रहे हैं? भाई प्यास लगी है, पानी पीने जा रहा हूँ कहीं से। बिलाल भाई बड़े यहाँ भाई हमसाया से पानी लेके आऊँ, खुश दरवाजा ना नजर आ आ रहे हैं बड़े। जाए। अच्छा 8:56। 8:56 हो चुके हैं तो हम सब उठ चुके हैं। ओह माय जी गॉड भाई, मौसम चेक करें जरा। ले जी यहाँ पे लगा हुआ जी हमारा ब्रेकफास्ट। असल में आपको ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि जो नाश्ता है ना, हेलो सर। बाय बाय 4474। सर फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं। ले जी बिलाल भाई का स्पॉट आ चुके हैं, फाइनली हम आ चुके हैं अपने स्पॉट पे, द डिजिटल हब रावली पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और ये है वीडियो का पार्ट नंबर 2। ठीक है, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हम हायर के सेमिनार पे आ रहे थे, सभी अभी मेरे साथ सभी मौजूद हैं। अभी खाने का जो टाइम है ना वो हो चुका है, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी, इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स में इसको रखा। और जो सेकंड पार्ट है ना वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे। अभी इसके बाद एक जो सिंगिंग जो कंसर्ट है ना वो बाकी है, उसके बाद अपना जो होटल शोटल का जो विज़िट है ना ये वो करवाएंगे, और उसके अलावा सुबह हमारी वापसी है, वो सब आपसे शेयर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमने जो खाना है ना वो तो खा लिया है। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो बिलाल भाई कैसा लगा खाना? अच्छा था जी। जाहिद भाई जी, नवाज साहब खाना कैसा था? अच्छा था, पेट भर के खा लिया, ठीक हो गया। आपको कैसा लगा खाना? ठीक ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? गुजरांवाला से। अच्छा गुजरांवाला से, ठीक है, ये भी गुजरांवाला से ही है, ठीक है। स्वीट अच्छा स्वीट डिश नवाज भाई को नहीं मिली, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा जो मैं हॉल है ना उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस किस्म का यहाँ पे सेटअप था, ठीक था, मतलब यू कैन से इट एवरेज, ठीक है। और खाना ऑनेस्टली मैं अपनी बात बताऊँ ना, मुझे भी नॉर्मल लगा, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। मैंने तो ज़्यादातर मटन ही खाया था, ठीक है, किसी का पड़ा हुआ मेरा नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल था। चलें अब आगे से थोड़ा सा हमारा काम रहता है वो करेंगे हम, उसके बाद फिर रूम में चलेंगे। तो अब भाई सारे बिखर चुके हैं, मतलब कोई कहीं पे कोई कहीं पे है, आ रहे हैं सब ने, आना तो इधर ही है। तो अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट्स लोग देख रहे हैं, पीएम्स हैं वो गाइड कर रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में वापस, ठीक है। कौन सा रूम नंबर था हमारा? 4474। और बिलाल भाई जो है ना वो पीछे रह गए हैं, वो आ रहे हैं जी। तो फ्रेंड्स अब मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ना रूम का अपने ओवरव्यू दिखा दूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद था बेसन पे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा दरवाज़ा है, आपको थोड़ा सा पर्ल कॉन्टिनेंटल का जो हमारा मतलब रूम है आपको दिखाता चलूँ कैसे। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिरर लगा हुआ जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये जूता जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ था, एंटर होते ही यहाँ पे। अच्छा ये देखें, ये देखें, बहरहाल जो भी है। अच्छा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाती है एक अलमारी, और यहाँ पे है जी ये बेसिन। और अच्छा यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, आपको पता मैं रिव्यू करने की आदत है तो हम देख लेते हैं। अच्छा जी कॉम थी इसके अंदर, वो निकाली हुई है, शेव किट है, शॉवर कैप है, डेंटल किट है, बॉडी लोशन भी है साथ। ओके, ये सोप छोटा सा बड़ा प्यारा क्यूट सा सोप है, और टिश्यू बॉक्स है, ग्लास पड़ा हुआ है, और यहाँ पे शीशा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। टॉवल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 अदर टॉवल्स ये हैं, एक हैंड टॉवल ये पड़ा हुआ है, बास्केट मौजूद है यहाँ पे। तो आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं कुछ इस किस्म का यहाँ पे सेटअप है, टब भी मौजूद है, और यहाँ पे जो बाथ के लिए टॉप जो शॉवर सेट है वो भी मौजूद है। अच्छा शीशे यहाँ पे देखे जरा ऐसे लगे हुए हैं, तो अचानक से लगता है कहीं कोई दूसरा बंदा आ गया। खैर अंदर चलते हैं, अंदर वो दिखाता हूँ। यहाँ पे जी एलईडी मिल जाती है जो कि बिलाल भाई कितने इंच की एलईडी होगी? 43। 43 है, मुझे 50 की वैसे कभी लग रही है। एलजी की एलईडी मिल जाती है जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है, और यूट्यूब वगैरह आप इस पर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है। हकनवा साहब कैसे हैं? ठीक है जी। जाहिद भाई ठीक ठाक है, कैसा फिर सीन? सही है, ओके। हाँ जी ठीक जा रहा है भाई, थक गए हैं बिलाल भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हीटर नहीं चल रहा, हवा दे जा रहा था लेकिन हीटिंग नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखें बुलाया है, अब कब आता, कोई बंदा आता है कि नहीं आता। अच्छा टाइम क्या हो गया रात के 1 बज रहे हैं। दिखाएं, रात के 1 बज रहा है, ठीक है। देखें अब कब तक कोई बंदा आता है, फिर कुछ ना कुछ करते हैं।
तो खैर इसके बाद अगर कोई एक्टिविटी होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सो के सुबह उठ के आपसे मिलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल 1:30 से 2:45 बजे का टाइम हो चुका हुआ है। तो मैं और बिलाल भाई नीचे आए हैं, उसके अलावा बिलाल भाई के साथ कुछ दोस्त थे वो भी साथ आए हैं, वो दूसरे रूम में थे एक्चुअली। तो अभी लॉबी जो है ना वो बिल्कुल खाली है, तो मैंने सोचा कि गाड़ी की जो वीडियो है ना वो बनाते हैं, आपको थोड़ी डिटेल के साथ दिखाते हैं कि ये जो गाड़ी है ना ये कैसी है और इसकी मज़ीद जो डिटेल्स है ना वो आपको दिखाते हैं। तो वो अगर आपने वीडियो देखनी ना वो एक सेपरेट वीडियो होगी, तो ये क्योंकि जस्ट एक व्लॉग है, ठीक है। तो मैं गाड़ी की वीडियो बनाने लगूँ तो देखें क्या पहले गाड़ी की अपलोड होती है कि ये वाली है, वो आप चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बाकी आप देख सकते हैं बिलाल भाई गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, ठीक है, दोस्त हैं बिलाल भाई के। और बाकी ये इस वक्त लॉबी की सिचुएशन है, ठीक है। तो अभी मेरे पास गिम्बल नहीं है, तो थोड़े बहुत शेक्स वगैरह आएंगे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं सेपरेट। लें जी, ये वीडियो वो मैंने बना ली है गाड़ी की, वो आप देख सकते हैं अब चैनल पे। तो रूम हमारा वापस आ गया, बिलाल भाई कोशिश कर रहे हैं कि डोर ओपन हो जाए। और बिलाल भाई फंसे, बिलाल भाई क्या हो गया है? कार्ड का चार्ज खत्म हो गया, अभी नीचे जाना पड़ेगा। चलो, कार्ड का चार्ज 2 टाइम्स ओनली। अच्छा जो लो जी, अब नीचे जाना पड़ना जी हमें, फिर पहले था के टाइम क्या हो गया भला? टाइम 2 बज गए। चलो जाहिद भाई ने खोल ही दिया एट लास्ट। बिलाल भाई क्या पता कर रहे हैं? भाई प्यास लगी है, पानी पीने जा रहा हूँ कहीं से। यार ये देखें पानी खत्म हो गया, ठीक है, एक बोतल सिर्फ पड़ी हुई थी, तो कॉल ही नहीं उठा रहे। वो हीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो ठंडा करे तो ठंडा काम करने लग जाता है मुझे लगता है, लेकिन वो हीटिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जी। हमारे बिस्तर लग चुके हैं, ठीक है, अब सोने की तैयारी होने लगी है, तो मैं भी अपने सोने वाली हालत में आ चुका हूँ। लेकिन यह है कि ये सर्विस नहीं अच्छी लगी, एक तो कॉल ही अटेंड कर रहे, दूसरा दूसरी चीज इसी दफ़ा कॉल करके ये जो मैट्रेस है ना ये मंगवाया। ओ माय गॉड, बिलाल भाई बड़े खुश खुश नज़र आ रहे हैं बड़े। अच्छा अच्छा ये देख लें, वाकई सेकंड हैंड है, मतलब वो सील पैक नहीं है बोतल, किसी से लेके आए हैं बिलाल भाई। चले मुबारक हो, पानी मिल गया आपको। बड़ी देर से बिलाल भाई कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। जी तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, अभी तकरीबन क्या टाइम है बिलाल भाई? 8:56 हो चुके हैं, तो हम सब उठ चुके हैं। बिलाल भाई नींद आ गई? नहीं सर, 5 बजे सोया था। वो खैर 5 बजे बिलाल भाई सोए थे जी। आज कुआ साहब? हाँ जी, मैं तो अपने रूम में बड़े आराम से सोया, आराम से फ्रेश होके आ भी गया। अच्छा माशाल्लाह वो फ्रेश हो गया, मैं अभी बिस्तर पे हूँ। तो जाहिद साहब मुझे लगता है सो गए हैं कोई घंटा को। सोया था, अब तो फ्रेश होके भी बैठे। अच्छा जाहिद साहब फ्रेश होके बिल्कुल बैठ गए, तो हकनवार साहब तो आराम सुकून से अपने रूम में गर्म पानी से नहा आ गए हैं। अब बिलाल भाई कह रहे हैं जाओ देख के आओ, देखता हूँ अगर गर्म पानी आ रहा है तो हम भी बात लेंगे, नहीं तो ऐसे ही वापस। आफ्टर टेकिंग बात अब हम जा रहे हैं नाश्ते की तरफ, ब्रेकफास्ट की तरफ, ठीक है। पानी काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया बिलाल भाई, पानी अच्छा था। वो जाहिर साहब जब नहाए हैं ना तब ठंडा था, हम जब नहाए हैं तो तब ठीक। ओह माय गॉड, भाई मौसम चेक करें जरा, भाई तो भाई सर्दी है फुल। ले जी यहाँ पर लगा हुआ जी हमारा ब्रेकफास्ट, काफी लोग यहाँ पे मौजूद है। नहीं जी हमारा जो नाश्ता है ना वो आ चुका है, ठीक है। नाश्ते में थोड़ी वैरायटी बेहतर लग रही है, पराठा भी है, नान भी है, चिकन भी है, और इसके अलावा पूड़ियाँ, हलवा, जूसेस, ठीक है, चने, आलू। भाई साहब कैसा लग रहा है, बेहतर है जी बिलाल भाई? अच्छा जी तो फ्रेंड्स अब हम जाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट अपना जो सारा सामान, ठीक है जी, सारा कुछ पैक शैक हो गया, ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, नाश्ता कर लिया है। तो असल में आपको ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि जो नाश्ता है ना उसका ठीक टेस्ट था, एवरेज था, मतलब जो इनके खाने हैं ना उसका कोई खास टेस्ट नहीं लगा जी। बिलाल भाई क्या कहते हैं आप? रात को डिनर तो काफ़ी लूज था, नाश्ता अच्छा था, बेहतर था नाश्ता, फिर भी बेहतर था, बट ये है कि कोई वो एक लेवल नहीं था जो सुना हुआ था, लेकिन बार एवरेज कह सकते हैं आप। बाय बाय 4474।
अच्छा यहाँ पे दमपुख, तो यहाँ पे डिनर और लंच का जो अरेंजमेंट है वो किया जाता है। दमपुख एक्वेरियम, काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पे आपको, सेटिस्फाइंग जो व्यू है ना वो मिलेगा। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, कितने क्यूट फिशेज यहाँ पे मौजूद हैं, ब्यूटीफुल। ये देखो अभी तकरीबन 10:45 हो चुके हैं, ठीक है, और हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। भाई बाहर तो फुल चिल माहौल है, मतलब ठंड है, ये देख। तो भाई अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से जो टेम्परेचर है ना वो तो मेंटेन्ड है, इस सर्विस से मैं सेटिस्फाई हूँ। तो बाकी हमारे कमरे का हीटर नहीं चल रहा था, उसकी वजह नहीं पता, काफ़ी दफ़ा कॉल की बट किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया वहाँ पे। तो अगर कॉल अटेंड करते थे वो भी काफ़ी लेट। तो खैर हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, बिलाल भाई अंदर से एक चीज़ लेने गए हुए हैं, एक चीज़ हमारी अंदर आ गई थी। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग में और गाड़ी में सामान रखेंगे, और अब इस वक्त हम आ चुके हैं जी पार्किंग में। अच्छा पार्किंग में मुझे नज़र आई थी, ये चेक करें, कंडीशन चेक करें भाई, पता नहीं तैयार हुई हुई है या फिर जेनवन है, रिम चेक करें, वाह जी वाह। और अब हम सामान रखते हैं। ये तो फ्रेंड्स अब फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं मोटर में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई इस तरफ का गवर्नर हाउस है और हम सिटी से जाएंगे। ले जी बिलाल भाई का स्पॉट आ चुके हैं, जा रहे हैं, फिर मज़ा आया, अच्छा था। चलो जी बिलाल भाई के साथ हम गए थे तो काफ़ी मज़ा आया, तो हमने थोड़ा सा आगे उतरने, मैंने जाहिर साहब ने, अकवास साहब ने, तो वहाँ पे फिर एंड करते हैं लोग जी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं अपने स्पॉट पे, द डिजिटल हब रावली पे, जहाँ से हम गए थे, और अभी जुम्मा है इस वजह से अभी तक बंद है। तो जाहिर साहब और जो मैं हूँ, हमने तो यहाँ पे उतरना था, अकवास साहब जो है ना वो एक्चुअली गुजरांवाला से हमें यहाँ पे छोड़ने आए हैं ड्रॉप करके, वापस गुजरांवाला जाएंगे। तो कैसा लगा आपको कहना चाहेंगे? अच्छा थैंक यू सो मच। हक सब जाते रहते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम आज इनके साथ गया था तो अच्छा लगा। तो बहरहाल यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।